जिला स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय में मुख्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां कोविड से बचाव का संदेश देती हुई आकर्षक रंगोली बनाई गई। बता दें कि उत्साह के माहौल में आज से 15 से 18 वर्ष के किशोर बालक बालिकाओं का कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच लंबे समय से बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मांग की जा रही थी। वैक्सीनेशन शुरू होने से अभिभावकों में खुशी जताई जा रही है। जिले के सभी 6 ब्लॉकों में लगभग 50,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। सार्थक यारदी मेरे बेटे का नाम है और वो सेंट मेरीज स्कूल का 10th का स्टूडेंट है। 15 साल 6 महीने के करीब उसकी एज है और खुद भी बहुत एंथुसियास्टिक था इस बात के लिए कि उसको टीका लगवाना था, क्योंकि परिवार में सभी लोगों को लग चुका है टीका। और जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके तहत में बच्चों के लिए जो 15 से 18 वर्ष की एज के हैं उनको स्प्रेड ओवर ना हो ये डिसीज, इसलिए टीके का जो प्रोविजन किया है उससे सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा बेटा बिल्कुल तैयार था। हम सब लोग जो हैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर आ गए थे, 8 बजे का हमें टाइम स्लॉट मिला था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा स्टाफ यहाँ अलर्ट है, रेडी है। आज भारत सरकार ने बच्चों के लिए 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की है। उसी की शुरुआत करने के लिए आज मैं सबसे बड़े कैंप जो हमारा उत्कृष्ट विद्यालय में लगा है इसमें आई थी। बेटियों को, बेटों को, दोनों को आज वैक्सीनेशन लग रहा है। शुभकामनाएं दी है सभी को, बच्चों का उत्साह वर्धन किया है, उन्हें समझाया है कि वैक्सीनेशन तो हमें सुरक्षित रखेगा ही कोविड से, पर उसके बाद भी हमें मास्क लगाना है और कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना है। हिंदुस्तान में आज जो 15 साल से और 18 साल के बीच के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन का महाअभियान आज प्रारंभ किया गया है। पूरे देवास जिले में हमने आज अपना जो लक्ष्य रखा है कि 40,000 से अधिक बच्चों को हम वैक्सीन लगाएंगे। अभी 11 बजे तक लगभग 8,000 बच्चों ने वैक्सीन लगा दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे पूरे शिक्षा विभाग की टीम, सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, प्राचार्य जिस तरह से सक्रिय हैं।